तेरा, ए की वैल्यू है जीरो, बी की वैल्यू भी जीरो है एंड सी की वैल्यू यहाँ पर वन है। सो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड, उस नॉर्मल का मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू अंडरूट जीरो के स्क्वायर, जीरो के स्क्वायर प्लस वन के स्क्वायर इक्वल टू अंडरूट वन, इसकी वैल्यू देगी वन हो जाएगी। अभी जो गिवन प्लान है इसको इसे डिवाइड कर देंगे, गिवन जो प्लान है जेड इक्वल टू टू डिवाइड बाई बाई अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से इसको डिवाइड करते हैं, ये हो जाएंगे जेड अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू टू अपॉन अंडरूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर से। वैल्यू पुटअप करके देखेंगे तो जेड अपॉन इसकी वैल्यू अपने वन निकाल रखी है, वन इक्वल टू ये टू अपॉन ये भी वन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम इसको कंपेयर करेंगे, जेड इक्वल टू टू हो जाएंगे, कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ऑफ दी प्लेन, प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड इक्वल टू बी होता है। तो यहां पर देखिए आप डेरा एल की वैल्यू, यहां एक्स है नहीं इसलिए एल की वैल्यू जीरो, एम की वैल्यू या तो वाई है नहीं जीरो, और जेड की वैल्यू जो एम की वैल्यू है जो जेड से मल्टीप्लाइड है जो इसका कोफिशिएंट है जेड का वो वन है, एम की वैल्यू जाएगी वन एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन वो हो जाएगी टू अपॉन वन इस नंबर टू। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या करना है इसको डिवाइड करना है, इस प्लेन को, इस प्लेन को हम फर्स्ट में ले देते हैं डिवाइडिंग प्लेन फर्स्ट डिवाइड बाय अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये प्लेन हो जाएगा फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड और अपॉन अंडरूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन अंडरूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसे कि आपको पता है इसकी वैल्यू अंडरूट थ्री है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन अंडरूट थ्री इक्वल टू वन अपॉन अंडरूट थ्री आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलग अलग पार्ट करेंगे हम तो अलग अलग पार्ट हो जाएंगे, ये एक्स अपॉन वन अपॉन अंडरूट थ्री एक्स प्लस वन अपॉन अंडरूट थ्री वाई प्लस वन अपॉन अंडरूट थ्री जेड इक्वल टू वन अपॉन अंडरूट थ्री है। इसे हम सेकेंड प्लेन के देते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग सेकेंड वाले प्लेन को कंपेयर करके देखते हैं, कंपेयरिंग प्लेन सेकेंड बाई स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है नॉर्मल प्लेन का वो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड इक्वल टू डी होता है। तो देखिए यहां पर आप डेरा जो एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू ये वाली एल की वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन अंडरूट जी, एम की वैल्यू जो है वो वाई वाली कोएफिशिएंट हो जाएगा वाई का कोएफिशिएंट, और एम की जो वैल्यू है वह जेड का कोएफिशिएंट हो जाएगा वन अपॉन अंडरूट थ्री एंड डी जो डिस्टेंस है ओरिजिन की प्लेन से डिस्टेंस है वो वाली वैल्यू वन अपॉन अंडरूट थ्री आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस जो प्लेन के हैं नॉर्मल से डिस्टेंस सी का टू एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड इक्वल टू फाइव है
13 देखिए आप इसमें a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू भी 2 है और c की वैल्यू माइनस के 1 है. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू देगी यहां पर अंडर टू के स्क्वायर प्लस टू के स्क्वायर प्लस माइनस वन के स्क्वायर एडवेंस 4 प्लस 4 प्लस 1 एडवेंस अंडर 9 अंडर 9 की वैल्यू 3 हो जाएगी. तो क्या करना है, इस फर्स्ट वाले प्लेन को 3 से डिवाइड करना है. ठीक है, तो प्लेन फर्स्ट डिवाइड बाय 3, 3 से डिवाइड करते हुए जाएंगे 2/3x 2/3y माइनस 1/3z इक्वल टू 5/3 हो जाएंगे. ठीक है, अब इसे कह देते हैं सेकंड वाला प्लान कह देते हैं प्लान सेकंड. कंपेयरिंग करते हैं इसको, कंपेयरिंग प्लान जो नॉर्मल से नॉर्मल फॉर्म वाला प्लान उससे कंपेयरिंग करके देखते हैं. एल एस प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी से, तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि देर आर जो एल की वैल्यू है वो 2/3 है, एम की वैल्यू है 2/3 है और एन की वैल्यू माइनस 1/3 है और जो डी की वैल्यू है वो 5/3 हो जाएगी. जैसे कि क्वेश्चन नंबर डी है, डी में है 5y प्लस 8 इक्वल टू 0 है. तो देखें देयर आर a की वैल्यू यहां पर 0, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू भी 0 है. सो अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू देंगे यहां पर 0 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर प्लस 0 की स्क्वायर एडवेंस 5 हो जाएगी. इस प्लेन को हम फर्स्ट नेम दे देते हैं प्लेन फर्स्ट डिवाइड बाय 5. 5 से इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये हो जाएंगे 5/5y प्लस 8/5 इक्वल टू 0 है. ठीक है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी इस प्रकार से y प्लस 8/5 इक्वल टू 0, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस के y इक्वल टू 8/5. क्यों? क्योंकि जैसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके देखेंगे तो ये डिस्टेंस को शो करेगा, है ना, उस प्लेन के उसके ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगी और ये जो वैल्यू डिस्टेंस हम जानते हैं कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ये जो y की वैल्यू है ये नेगेटिव हो सकते हैं. अब इसको कंपेयर करके देखते हैं तो l की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 0, m की वैल्यू माइनस की 1 और n की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी और d की वैल्यू 8/5 हो जाएगी. तो इस प्रकार से इनके डायरेक्शन कोसाइन जो है, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, 0 माइनस 1 0 और 8/5 हो जाएंगे. रखा है गिवन d इक्वल टू 7 यूनिट दे रखा है. इसके बाद में नॉर्मल वेक्टर दे रखा है यहां पर जिसको हम n कहते हैं, इसे डिनोट करते हैं यहां पर. ये लिया हुआ है 3ik प्लस 5jk और माइनस के 6ak है. ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे यहां पर, यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यूनिट नॉर्मल वेक्टर
एन के इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन। तो यहां पर ये वेक्टर गिवन है पहले प्लस 5 जे के माइनस के 6 के के अपॉन हंड्रेड 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस माइनस 6 के स्क्वायर। एन वेक्टर है ये हो जाएगा 3 आई के 5 जे के माइनस 6 के के अपॉन हंड्रेड 3 के स्क्वायर 9 प्लस 5 के स्क्वायर 25 प्लस 36 इट मीन्स 170 हो जाएंगे ये। तो इट मीन्स 170 आई के प्लस 5 अपॉन 170 जे के माइनस 6 अपॉन 170 के के, क्योंकि इनकी सम करने के लिए 70 मिल जाएंगे हमको। तो अगर हम देखें यहाँ पर ठीक है, तो अब हम क्या फाइंड करना है उसका, उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है। और हम जानते हैं वी नो इक्वेशन, वी नो इक्वेशन ऑफ दी प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। क्या होता है ये, आर डॉट एन इक्वल टू डी होता है ठीक है। तो आर डॉट ये वेक्टर है अपने पास में 3 अपॉन 170 आई के प्लस 5 अपॉन 170 जे के माइनस 6 अपॉन 170 के के इक्वल टू डी की वैल्यू हमने निकाल रखे पहले ऑलरेडी गिवन है, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 गिवन इसमें फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स, ये जो 3 प्लेन्स दे रखे हैं इनकी कार्टेशियन फॉर्म अपन को फाइंड करनी है। तो देखिए इसमें फर्स्ट वाले में जो प्लेन का इक्वेशन दे रखा है जे के माइनस के के इक्वल टू 2 गिवन है। तो अपन को क्या है, देखिए यहाँ पर देर आर, जैसे पहले करते हैं पहले वाले सवाल वैसे कैसे करना है, ये है अपने पास नॉर्मल वेक्टर है ठीक है। अब ये नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर भी हो सकता है और नॉर्मल वेक्टर भी हो सकता है, इसलिए अपने इसको केवल नॉर्मल वेक्टर मानते हुए चलते हैं। तो यहाँ ए की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 1, बी की वैल्यू भी 1 गिवन है और सी की वैल्यू भी माइनस के 1 गिवन है। सो अपन को क्या करना है, वैसे के वैसे हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 के स्क्वायर प्लस माइनस 1 के स्क्वायर एट में हो जाएंगे 3 है, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं। तो प्लेन फर्स्ट को वही 3 से डिवाइड करना है, प्लेन फर्स्ट डिवाइड बाय 3 से डिवाइड करके देखेंगे। तो ये प्लेन हो जाएगा आर डॉट आई के प्लस जे के माइनस के के और अपॉन हंड्रेड थ्री इक्वल टू 2 अपॉन 3 हो जाएंगे ठीक है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर की वैल्यू आप जानते हो आर क्या होता है, यहाँ पर आर जो वेक्टर है इस प्रकार से पोजीशन वेक्टर होता है ठीक है। ये वाले वैल्यू अगर पुट अप करके देखेंगे तो ये हो जाएंगे एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड टी के डॉट, और इनको अपन ऐसे लिख सकते हैं आई अपॉन हंड्रेड थ्री प्लस जे के अपॉन हंड्रेड थ्री माइनस के के अपॉन हंड्रेड थ्री इक्वल टू 2 अपॉन हंड्रेड थ्री है। डॉट मल्टीप्लीकेशन करके देखेंगे इनके तो हो जाएंगे एक्स अपॉन हंड्रेड थ्री प्लस वाई अपॉन हंड्रेड थ्री माइनस जेड अपॉन हंड्रेड थ्री इक्वल टू
टू अपॉन हंड्रेड थ्री, हंड्रेड थ्री से डिवाइड करके देखेंगे अपन सभी को, तो ये जो इक्वेशन है प्लेन का एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू टू, एक प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फर्स्ट वाले प्लेन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड वाला प्लेन है बी वेक्टर आर टू आई के प्लस जे के माइनस फोर के के है, तो यहाँ इसको भी हम कंपेयर करके देखते हैं क्योंकि ये नॉर्मल वेक्टर है। अब नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या है, यहाँ पर ए टू है, बी थ्री है और सी की वैल्यू माइनस के फोर है, इसलिए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू जाएगी टू के स्क्वायर प्लस थ्री के स्क्वायर प्लस माइनस फोर के स्क्वायर, डिफरेंस ये हो जाएंगे फोर प्लस नाइन प्लस सिक्सटीन और ये हो जाएंगे रूट ट्वेंटी नाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब इस फर्स्ट वाले प्लेन को हम रूट ट्वेंटी नाइन से डिवाइड कर देते हैं। प्लेन फर्स्ट डिवाइड बाय 129 से डिवाइड करके देखते हैं इसको, तो ये प्लेन हो जाएगा आर टू आई के प्लस थ्री जे के माइनस फोर के के अपॉन 129 इक्वल टू वन है, यहाँ पर इक्वल टू वन हो जाएंगे, वन अपॉन 129 हो जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ में गिवन है, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डाउन फ्रॉम द ओरिजिन। जैसे कि आप जानते हो कि इस प्रकार से अपन को ये जो प्लेन गिवन है एक्स वाई और ये जेड प्लेन गिवन है, इस पर ये वाला प्लेन है, इस प्लेन के फुट का, इस फुट के अपन कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, और आप जानते हो इसके फुट के कोऑर्डिनेट यदि ये एम वेक्टर है तो फिर इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं एल डी एम डी और एन डी होते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ठीक है, और एल एम और एन क्या है, इसके डायरेक्शन कोसाइन है, तो पहले एल के डायरेक्शन कोसाइन अपन फाइंड करके देखेंगे, फिर उसको जो डी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस है, तो इसके फुट के कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो पहला वाला क्वेश्चन है 2x plus 3y plus 4z minus 12 को इस पक्ष में ले लेते हैं, 12 ये इक्वेशन दे रखा है, इसको अपन फर्स्ट के देते हैं प्लेन के इक्वेशन को। अब इस प्लेन के इक्वेशन में अपन देख पाएंगे यहाँ पर देयर आर a की वैल्यू जो गिवन है वो 2 है, b की वैल्यू है 3 गिवन है और c की वैल्यू 4 गिवन है, सो इसलिए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस वाली वैल्यू को फाइंड करके देखेंगे, टू के स्क्वायर थ्री के स्क्वायर प्लस फोर के स्क्वायर फोर नाइन और प्लस सिक्सटीन ये हो जाएंगे 129 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको जो प्लेन फर्स्ट है प्लेन फर्स्ट डिवाइड बाई 129 से इसको डिवाइड करके देखेंगे, तो ये प्लेन इस प्रकार से चेंज हो जाएगा 2 upon 129 x प्लस 3 upon 129 y प्लस 4 upon 129 z इक्वल टू 12 upon 129। अब इस वाले प्लेन को इसको अपन सेकंड प्लेन कह देते हैं, इस प्लेन को अपन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्लेन के कंपेयर करके देखेंगे, तो यहाँ पर एल की वैल्यू जो है वो 2 अपॉन 129, एन की वैल्यू
थ्री अपॉन रूट 29 और n की जो वैल्यू है 4 अपॉन रूट 29 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर d की जो वैल्यू है 12 अपॉन रूट 29 हो जाएंगे। सो फोटो अपन सो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट, फुट की जो कोऑर्डिनेट है वो इस प्रकार से हो जाएंगे एल डी एम डी और एन डी, ठीक है। वैल्यू पुट अप करके देखेंगे, एल की वैल्यू है 2 अपॉन रूट 29 इंटू 12 अपॉन रूट 29 एक कोमा, एम डी एम की वैल्यू में 3 अपॉन रूट 29 इंटू 12 अपॉन रूट 29 और डी एन एन की वैल्यू में 4 अपॉन रूट 29 इंटू 12 अपॉन रूट 29। तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके 24 अपॉन 29, 36 अपॉन 29 और 48 अपॉन 29 हो जाएंगे। गिवन है पॉइंट 1, 0, -2 है, ठीक है। और इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, और इसके बाद में एंड गिवन है नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर जो गिवन है आई के जे के और माइनस के के, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा इस वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1, 0, -2 इसको यदि हम ए के देते हैं तो इस पॉइंट की वेक्टर हो जाएंगे आई के माइनस टू के हो जाएंगे, ठीक है। और वी नो इक्वेशन ऑफ दी प्लेन इन वेक्टर 4 पासेस ए पॉइंट, एक पॉइंट से पासिंग होने वाले उस प्लेन का जो इक्वेशन है पर आर माइनस ए की जो वैल्यू है ये हो जाएगी आई के प्लस के टू के डॉट आई प्लस जे और माइनस के इक्वल टू 0। ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगी इस प्लेन के। अब कार्टेशियन फॉर्म निकालना चाहते हैं इसके, तो कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी प्लेन की देखिए आर की वैल्यू जो इसके स्केलर कंपोनेंट्स हैं वेक्टर कंपोनेंट्स हैं प्लस जेड के माइनस आई प्लस जेड के इक्वल डॉट आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 0 है, ठीक है। ए को हम ऐसे लिख सकते हैं आई वाली वैल्यू उसको ऐसा कन्वर्ट कर लेंगे आई के वाई जेड के प्लस जेड माइनस सॉरी यहाँ 2 है 2 जेड माइनस 2 के डॉट मल्टीप्लीकेशन माइनस के इक्वल टू 0 है, ठीक है। इनके इसके अलावा मल्टीप्लीकेशन करके देखेंगे तो एक्स माइनस 1 प्लस जे मल्टीप्लाई हो जाएंगे वाई से, वाई प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे कैसे जेड माइनस के 2 माइनस के 1 इक्वल टू 0 हो जाएंगे। या इन ब्रैकेट को ओपन करके देखेंगे तो एक्स माइनस 1 वाई माइनस के जेड प्लस के 2 इक्वल टू 0 हो जाएंगे। या फिर इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई माइनस के जेड और प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये इसका कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा इस प्लेन का। बी वाला क्वेश्चन है
that passes through the point 1, 4, 6 and the normal vector to the plane is i cap minus 2 j cap plus k cap है. तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में जैसे इस पॉइंट से वो पासिंग थ्रू हो रहा है तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 1, 4, 6 इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 4 जे प्लस 6 के पोजीशन वेक्टर हो जाएगा. अब इसके बाद में और गिवन है यहां पर नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर एन आई के माइनस जे के प्लस के गिवन है. ठीक है, तो अपनों क्या करना है, हम जानते हैं कि इस प्रकार से जो वेक्टर है प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन प्लेन हो जाएगा आर माइनस ए किसी पॉइंट और नॉर्मल के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन है प्लेन का वो इस प्रकार से हो जाएगा. तो वैल्यू पुट अप करके देखेंगे यहाँ पर आर माइनस ए की वैल्यू है आई के माइनस के 4 जे के माइनस के 6 के सभी माइनस में जाएंगे और एन की वैल्यू है आई के माइनस 2 जे के प्लस के इक्वल टू 0. ठीक है, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, ये तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगी. अब इसके बाद में वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन, अब इसके बाद में कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन की, कार्टेशियन फॉर्म में अपन को एक्स के जो वेक्टर कंपोनेंट्स आर के वो अपन यहां पुट अप करेंगे एक्स आई के वाई जे के प्लस जेड के माइनस आई 4 वाई 4 जे के माइनस 6 के इंटू आई माइनस 2 जे के प्लस के इक्वल टू 0. अब आई वाले जो भी कंपोनेंट्स हैं इसके लिए कंपोनेंट्स x माइनस 1 आई के वाई माइनस 4 जे के प्लस जेड माइनस 6 के और डॉट मल्टीप्लिकेशन प्लस ए इक्वल टू 0. डॉट मल्टीप्लाई करके देखेंगे इनके तो 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो एक्स माइनस 1 प्लस ये वाली वैल्यू माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगी तो वाई माइनस 4 मल्टीप्लाई होंगे माइनस के 2 से. फिर इसके बाद में ये वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी जेड माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएंगे. उस वाले वैल्यू को ओपन करके देखेंगे एक्स माइनस 1 माइनस 2 से वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2y 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 8. फिर z माइनस के 6 इक्वल टू 0 हो जाएंगे, या लिख सकते हैं इसको हम x माइनस 2y प्लस z और माइनस के 7 और प्लस का 1 बन जाएगा. ये उसके